आंशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। महाराष्ट्र में किस तरीके से एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने। जिस तरीके से महाराष्ट्र की नई सरकार ने अहम फैसला लिया है अब शिवसेना के खिलाफ, जहाँ एक तरफ ये लड़ाई लड़ते हुए वह नजर आ रहे थे शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर, वहीं योग्य अयोग्य विधायकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो मामला पहुंचा है उसे लेकर, लेकिन अब शिवसेना के सांसद संजय राउत को ईडी ने अपनी हिरासत में ले लिया है। पात्रा चौल जमीन घोटाले के मामले में संजय राउत को ईडी ने अपनी हिरासत में लिया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो तमाम दिग्गज नेता भी अपनी राय रखते हुए देखे जा रहे हैं। हम बात करेंगे आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में दिग्गज नेता अजीत पवार के बारे में। अजीत पवार जो लगातार नई सरकार पर निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं। अजीत पवार जो एनसीपी के लिए काफी ज्यादा अहम है, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के लिए काफी ज्यादा वह अहम माने जाते हैं, लेकिन क्या एनसीपी अब अजीत पवार के खिलाफ कोई बड़ा फैसला ले सकती है, इसी पर चर्चा करेंगे आज हमारे सहयोगी अबरार के साथ। अबरार आपका बहुत बहुत स्वागत है। अबरार आप जानते ही हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में क्या कुछ चल रहा है। हाल ही में अजीत पवार ने जिस तरीके की संजय राउत की हिरासत में ईडी ने ले लिया है तो वह कह रहे हैं कि बार बार उनके घर की छानबीन क्यों की जा रही है, ईडी बार बार क्यों पहुंच रही है, आखिरकार रणनीति क्या है। देखिए अजीत पवार लगातार एमवीए गठबंधन के एक सक्रिय सदस्य हैं और लगातार एमवीए गठबंधन को बनाए रखने के लिए उनकी जो रणनीति रही है शुरुआती दिनों से, जब विधानसभा चुनाव के बाद उनको शरद पवार ने, जब उनकी बगावत हुई थी, उन्होंने जाकर के भगत सिंह कोश्यारी के समक्ष उप मुख्यमंत्री का शपथ ले लिया था और देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उस समय से जब उनको वापस फिर एनसीपी में लाया गया शरद पवार के द्वारा, हालांकि उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, शरद पवार के भतीजे हैं वो, और उनको काफ़ी लाभ भी मिला उनके नाम का राजनीति में। लेकिन अजीत पवार कि जो मुश्किलें हैं या उनकी जो रणनीति की अगर हम बात करें, वो जिस तरीके से संजय राउत के गिरफ्तारी को लेकर के अपनी बात रख रहे हैं तो ये बड़ी बात इसलिए हो जाती है क्योंकि संजय राउत और अजीत पवार मैं कहूँ तो दूसरे नंबर के नेता माने जाते हैं एमवीए गठबंधन में। अगर शिवसेना पार्टी की बात की जाए तो शिवसेना पार्टी में कोई जो एक तरीके से शिवसेना पार्टी को लीड करने वाला लीडर और उसकी क्वालिटी अगर किसी में देखी जाती है तो वो संजय राउत में देखी जाती है। लेकिन संजय राउत को टारगेट इसलिए किया गया कि संजय राउत ने इस बगावत की बात अगर मैं करूं, इसमें बगावत का जिक्र इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि सबसे पहले संजय राउत से इस मामले में जो एक तरीके से संपर्क साधने की कोशिश है वो की गई होगी। लेकिन संजय राउत हालांकि शिवसेना पार्टी से लंबे समय से एक तरीके से उनका पारिवारिक रिश्ता रहा और पार्टी में अब बहुत अरसों से बने हुए हैं और यही वजह है कि वो शिवसेना पार्टी से बगावत करने पर आमादा नहीं हुए और ये कहीं ना कहीं कसक जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चुभ गई। हालांकि संजय राउत जब राज्यसभा के सांसद होने के नाते जब उन भाषण देने के लिए उठा करते थे तो उनके एक तरीके से निशाने पर कह लें तो भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जो है वो रहा करता था, चाहे वो अमित शाह हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो। हालांकि उन्होंने एक बार अपने बयान में यहाँ तक कह दिया था, अमित शाह को उन्होंने टारगेट किया था, निशाने पर लिया था और उन्होंने कहा था कि अमित शाह जो है वो जिस स्कूल में पढ़े हैं उस स्कूल के वो प्रिंसिपल रह चुके हैं और ऐसी बयानबाजी की वजह से ही उनको एक तरीके से टारगेट मिल गया। और साथ ही अगर मैं कहूँ तो एमवीए सरकार के गठन में भी उनका बहुत बड़ा रोल रहा था क्योंकि उस समय उद्धव ठाकरे जितनी बयानबाजी करते हुए नहीं देखे जाते थे उससे कहीं ज़्यादा संजय राउत को आपने कई मीडिया के चैनलों पर देखा होगा उस समय, और इस वजह से ही उनको लगातार जो है परेशान किया जा रहा है ईडी के द्वारा। हालांकि संजय राउत ने एक बड़ी बात कही थी उनकी गिरफ्तारी के बाद, जो उन्होंने ट्वीट किया था उसमें उन्होंने ये कहा था कि मैं बाल ठाकरे की कसम खाता हूं, बाला साहब की कसम खाता हूं कि मैं इस तरीके के किसी भी अगर काम अबरार, हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने कि संजय राउत ने वो तमाम ट्वीट्स किए हैं उसके बारे में दर्शकों को हम कई बार अपनी रिपोर्ट्स में भी बताया है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये बताना चाहेंगे कि अजीत पवार के यहाँ पर क्या कुछ फैसले हो सकते हैं, क्या अजीत पवार यहाँ पर बीजेपी के समर्थन में बाद में उतर सकते हैं, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी रहा जब बीजेपी के साथ उनका झुकाव देखने को मिला लेकिन अब शरद पवार बीजेपी के अगेंस्ट है, पूरी तरीके से गठबंधन को बचाने की वह कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में अजीत
पवार ने जो कुछ कहा है ईडी को लेकर, उन्होंने यहां पर कहा है कि संजय राउत के घर बार बार छापेमारी क्यों करना चाहते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने कहा कि मुंबई में संजय राउत के आवास पर जो छापेमारी की गई उसको लेकर उन्होंने यहां पर बात रखी। वहीं यहां पर सांसद सुप्रिया सुले ने भी अपनी नाराजगी को जाहिर किया है कि वह इस मुद्दे को अब संसद में उठाएंगी। तो आपको क्या लगता है, क्या यहां पर अजीत पवार जो हैं, क्या यहां पर शरद पवार के साथ खड़े होकर इस गठबंधन को पूरी तरीके से बचा सकते हैं, या फिर शरद पवार यहां पर अगर उन्हें नहीं लगता है कि अजीत पवार ऐसा कुछ भी कर सकते हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं? देखिए, अजीत पवार की जहां तक बात की जाए तो संजय राउत के साथ उनकी बेहतरीन बॉन्डिंग रही है राजनीति में। उन्होंने कई बार मंच को साझा किया है, हालांकि वो एक गठबंधन का हिस्सा है, इस वजह से भी उनके बीच जो एक तरीके से राजनीतिक गतिविधि जो है वो तमाम एक तरीके से अपने मशवरे जो एक दूसरे से लिया करते थे जब सरकार में हुआ करते थे। उद्धव ठाकरे और संजय राउत से करीबी उनकी इसलिए भी थी क्योंकि वो उद्धव ठाकरे सरकार में MVA सरकार में डिप्टी CM हुआ करते थे अजीत पवार, और इसी वजह से संजय राउत से उनका मिलना जुलना जो हमेशा लगा रहता था, और यही कसर जो है वो उनको अब तड़पा रही है और उन्होंने इस तरीके के बयान दिए। वहीं अगर बात की जाए सुप्रिया सुले की, तो सुप्रिया सुले जो है NCP पार्टी में शरद पवार की बेटी भी हैं, वो NCP पार्टी की एक कद्दावर नेता भी मानी जाती है। उन्होंने पार्टी को बहुत बड़े स्तर पर बड़ा करने में, पार्टी के फैलाव में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि वो बहुत दिनों तक देश बाहर भी रही हैं, लेकिन उन्होंने आखिरकार भारत में आकर के भारत की राजनीति को अपना समय दिया। लेकिन अजीत पवार की अगर मैं बात करूं तो अजीत पवार की रणनीति बहुत ज़्यादा काम में आएगी यहाँ पर, क्योंकि अजीत पवार एक तरीके से अभी सक्रिय होकर के महाराष्ट्र की राजनीति में NCP की भी कमान संभाले हुए हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं तो शिवसेना पार्टी के भी तमाम रणनीतियों में उनकी एक तरीके से शमूलियत जो है वो रहती है, क्योंकि शिवसेना पार्टी में अगर कोई सीनियर लीडर के तौर पर अगर हम बात करें तो नहीं रह गया है उद्धव ठाकरे को अगर हम छोड़ देते हैं तो, क्योंकि संजय राउत तो ED के हिरासत में चले गए हैं, और इस वजह से उनकी जो मुश्किलें हैं और ज़्यादा बढ़ सकती है, और इन मुश्किलों में अगर कोई सहारा बनता हुआ नजर आ रहा है तो वो अजीत पवार ही हैं। आपसे हमारा आखिरी सवाल यही रहेगा अबरार कि क्या वाकई में अब आपको क्या लगता है, एक वक्त वह डिप्टी CM के पद पर रहे लेकिन अब यहाँ पर अगर NCP में अगर कोई उन्हें पद नहीं मिलता है जिसके वह हकदार है, अगर वो नहीं मिलता है या फिर आने वाले चुनाव में आगे विधानसभा चुनाव होंगे उसके दौरान भी अगर कोई उन्हें पद नहीं दिया जाता है, तो ऐसे में अजीत पवार क्या वाकई में BJP की तरफ रुख करना पसंद करेंगे या फिर यहाँ पर NCP से अलग होकर वह कुछ और ही करना चाहेंगे? क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे यहाँ पर एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, दोनों ही चचेरे भाई एक दूसरे से अलग होते हुए दिखाई दिए, अलग पार्टी बनाए, तो क्या अब NCP में वो बिखराव देखने को मिल सकता है? क्या यहाँ पर अब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस अब NCP को पूरी तरीके से तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं? बिल्कुल, ये प्रयास जो है लगातार जारी है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मिशन लोटस के जरिए, वो तमाम राज्यों में अलग अलग जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकारें हैं उनको कमज़ोर करना, उन सरकारों को तोड़ना, उनके विधायकों को लालसा देकर के अपने पाले में करना, ये सारी रणनीति जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा हमेशा से की जा रही है, और इस रणनीति में अब NCP का भी जो नाम एक तरीके से शामिल होने जा रहा है। वहीं अगर बात की जाए अजीत पवार की, तो अजीत पवार की राजनीतिक यात्रा पर अगर हम गौर करेंगे तो वो राजनीतिक यात्रा उनकी डमाडोल वाली रही है, वो कभी इस पाले में कभी उस पाले में, क्योंकि वो नफे वाली राजनीति को करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो टारगेट रहेगा वो उनके ऊपर ही रहेगा, क्योंकि वो एक सॉफ्ट टारगेट के तौर पर भी देखे जाते हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि उन्होंने इसका एग्जाम्पल पहले भी सेट कर दिया। जिस तरीके से उन्होंने MVA गठबंधन की तमाम रणनीति बनाई जा रही थी उस समय शरद पवार के द्वारा, और उस समय उन्होंने गुपचुप तरीके से देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर कोई पद मिल सकता है उनको अब जिस तरीके से उनकी स्थिति रही है? बिल्कुल, उनको पद तो मिला ही था उद्धव ठाकरे सरकार में, उनको डिप्टी CM का पद दिया गया था, लेकिन ये कहीं ना कहीं शरद पवार की मजबूरी थी उनको अपने साथ बनाए रखने के लिए। अब आने वाले समय में उनके राजनीतिक पद को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि NCP उनको बड़ा पद दे भी सकती है, और नहीं दी तो फिर वो अपना पाला बदल भी सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया अबरार उन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। फिलहाल देखा जाए अजीत पवार आखिरकार अब राजनीति में क्या कुछ करके दिखाते हैं। एक वक्त वह डिप्टी CM रहे लेकिन इस पद से हटकर अब आखिरकार अजीत पवार के लिए शरद पवार का और शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का क्या कुछ फैसला होता है ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल वह NCP में रहकर BJP के खिलाफ है, नई सरकार
के खिलाफ है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार संजय राउत से जिस तरीके से ईडी पूछताछ कर रही है, इसमें अजीत पवार किस तरीके से अपनी भूमिका को निभाते हैं, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस प्रोग्राम में आज इतना ही। आपकी क्या राय है अजीत पवार को लेकर, ये आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।